अज गुरदासपुर विच माई भागो सेवा सोसायटी जो कि बहुत लंबे समय तो समाज सेवा का काम कर रही है उन्होंने लोड़वंद परिवारों नूं वंडिया राशन। रिपोर्टर जगजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट मस्का चस्का टाइम गुरदासपुर। अज जून महीने का राशन वंड रहे हाँ। माई भागो सेवा सोसायटी करीब चार साल तो उपर हो गया, साढ़े चार साल हो गया जो सोल विखे जो सेंटर ही हैड ऑफिस खोलिया सी उत्थे ये सेवावां चल दियां हुण। असी जिहड़ा माई भागो सेवा सोसायटी है इहदियां बहुत सेवावां हन, जिवें लोकां दे नवें घर बना के देने, जिहड़े गरीब लोग ने जिन्हां दे सिरां दे उत्ते छत नहीं सी, बाले डिगण वाले सी, उन्हां दे घर बना के दित्ते हन। उस तों बाद असी घर घर जा के लोगों की हालत वेखी, लोगों के घर पीने पानी नहीं सी, असी उन्होंने समरसीबल पंप करीब करीब अज तक भी समरसीबल पंप ला के दते, 30-35 नलके ला के दते सी। सो हुण जिहड़ियां सेवावां ने जिवें असी दवाइयां वंड रहे हाँ, जिहड़ा हुण इस वेले कोविड-19 का चक्कर चल रहा है, साडे माई भागो सेवा सोसायटी यूके वालिया ने होर भी ज़िलों के शाखा खिलारिया हुई ने उत्थे भी हर तरह की सहूलत दिती जा रही है। बाकी असी जिहड़े लोड़वंद परिवार से उन्होंने बच्चों पढ़ा रहे हैं, उन्होंने फीसां दे रहे हैं, तो ता जो छोटे बच्चे पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सहारा बन सकन। पिछले महीने असी 2 व्हीलचेयर दित्तियां सी, हुण फिर ऐरकां 2-3 व्हीलचेयर के चाहते ने लोग के सूँ दित्तियां जाण, तां जो जिहड़े साडे परिवार दे जी ने जिहड़े मंजे ते पए ने वह भी कितें उठ के बाहर फिर तुर सकन, नहीं तो कई बार उन्होंने चुक के ही बैड तो अगे पिछे करना पैंदा है। तो वह भी चाहते ने कि असी बाहर गली दे विच जां होर कितें जा के असी भी दुनिया नूं वेख सकीए, किसी नूं मिल जुल सकीए, बाकी जिहड़ा कोई उन्होंने घर आण के मिलता है ये इन्हां दीआं प्रॉब्लम ने। सो असी कोंट्री की सिख संगत को फिर अपील करते हैं कि तुसी जिवें पहलां दी तरह सेवावां कर रहे हो उस तरह निरंतर ये सेवा चालू रखो। बाकी साढ़े को 4-5 परिवार ने जिन्ह के असी घर बना के देने ने, वह भी अभी बहुत जल्दी जड़ी आ वो हुण फिर अगले हफ्ते तो शायद चालू कर रही है, वो भी साढ़े कोई सेवावां सेवादार आए सी, वो कहिंदे सी कि असी तुहाडी मदद करांगे नाल, ते वो भी असी घर बना के दे रहे हैं बहुत जल्दी। होर कई एक नहीं मेरे ख्याल च कई सेवावां इहो जिहियां हन जिहड़ियां असी जिवें सिलाई सेंटर खोले हुए ने, 4 सिलाई सेंटर इस वेले मौजूद चल रहे ने, एक पिछले महीने लेल सिलाई सेंटर खोलिया सी, एक फजूपुर खोलिया सी, एक भुल्लर खोलिया सी, ते एक डडमा रोड डडमा पिंड उत्थे सिलाई सेंटर जिथे 10-10 बच्चे सिलाई सीख रहे हैं। करीब हर साल ही हर 6 महीने का कोर्स है, 6 महीनों बाद 40 बच्चे सिलाई सीखते हैं, करीब करीब ये भी अज तक 250-300 बच्चा सिलाई सीख के अपने पैरों पर आप खड़ा है, अपने हाथ सीधे किए ने, आपो अपने कारोबार किए ने। बाकी हर सिलाई सेंटर के असी जो कोर्स खत्म होंगे बच्चों सर्टिफिकेट देने हाँ, नाल ही असी जिहड़े लोड़वंद परिवार के बच्चे होंगे ने 2 सिलाई मशीन देने हाँ। ये जिहड़े सिलाई सेंटर हैं इन्हों का कोई खर्चा नहीं किसी परिवार के, टीचरों को तनखा सोसायटी दिंदी है, बच्चों भी जिहड़ा वो कोई अपना काम काज करते हैं जो नहीं भी उन्होंने कैंचियां ज कोई चीज़ा होर चाहिए होंगे वो सारिया सोसायटी वालों दी गई, खाली उन्होंने अपने को कपड़े लिया के आप सीखना हों, सीख के बहुत खुश होने। इस वे जिन्होंने भी कभी पूछी है वो कहें असी आपो अपनिया बुटीक भी कई ने खोलिया हुई, कई आपो अपने घर अपना रुजगार चला रहे हैं। तो चाहते हैं कि जोड़ा असी सोसायटी के राशन दें, अही चाहते हैं ये अपने पैरों पर आप खड़े होन, य कोई भी बंदा सानू कह दे कि सानू रेहड़ी दे दिओ बना के उदे उत्ते सानू सौदा पा दिओ, जां सानू कोई फल फ्रूट जां कोई सब्जी पा दिओ, असी अपना कमा के आप खाइए, क्योंकि एक बार रास अही इन्हां नू पा के देंगे मुड़ के जिहड़ी कमाई होएगी उहदे तों अपना
घर का गुजारा चल सकता है। इतने आने की उन्होंने लौट ना पवे, जिहड़ा भी कोई परिवार करेगा उन्होंने असी करांगे। पिछले महीने भी पिछले महीने भी किया सी, पर किसी ने कोई भी अज तक ये नहीं किया भी मैनू रेहड़ी बना के दिओ ते असी तुहाडे कोलों सेवावां लईए ते असी अपने पैरां ते आप खड़े होईए। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੋਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, 5000 ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। 5000 ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 5000 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ।